नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, 2602 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त धनराशि के बराबर है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक हो तो राम का हिस्सा बताओ। ठीक है, उसने कहा कुल धनराशि दी गई हमें, कुल धनराशि कितनी है, 2602 रुपए। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि राम की धनराशि कितनी है, राम की है x, तो श्याम की कितनी हो जाएगी, श्याम की हो जाएगी 2602 माइनस एक्स। ठीक है, ए राम और श्याम का हमने विभाजन कर लिया। इसके बाद उसने कहा कि राम को 4 वर्ष के लिए दी गई और श्याम को 6 वर्ष के लिए दी गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों के अमाउंट निकालना है। और उसने कहा कि अमाउंट कैसे आते हैं, बराबर आते हैं, तो बराबर रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि राम को क्या राशि मिली होगी। तो राम का जो मूलधन है वह है x, 1+ r की वैल्यू है 4/100, और राम को कितने वर्ष के लिए दिया गया, तो राम को 4 वर्ष के लिए दिया, ये राम की राशि निकल के आई। श्याम की जो मूलधन है वह 2602 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ 1+4/100 क्योंकि इसको 6 वर्ष के लिए दी गई। तो जो श्याम की 6 वर्ष की राशि है और जो राम की 4 वर्ष की राशि है, यह दोनों कैसी हैं, यह दोनों बराबर हैं। बस इसको हमें अब सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम 1+ 4/100 है और 1+4/100 है, तो ये दोनों आधार सेम है, तो हम गुणा यहाँ पर ले आएंगे, 1+4/100 के अपॉन में ले आएंगे 1+4/100। यहाँ 2602 माइनस एक्स हम बचा के रखेंगे। अब ऊपर 4 नीचे 6, पावर घटेगी कितनी बचेगी, माइनस की 2 बचेगी, तो 1+4/100 - 2, और यहाँ कितना है 2602 माइनस एक्स। ठीक है, अब कट करेंगे तो 2500 25 एकम 25 हो 26, तो एक्स गुणे 26/25 - 2 बराबर 2602 माइनस एक्स। ठीक है, अब पावर जब माइनस की है तो हम उस डिजिट को पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो एक्स गुणे 26 चला जाएगा नीचे, 25 आ जाएगा ऊपर, तो 625 लिख लिया हमने और 676 लिख लिया, और यहाँ 2602 माइनस एक्स तो था ही। अब इस एक्स को हम इस साइड ले आएंगे तो एक्स 625 एक्स हो जाएगा बटे 676, वो माइनस का एक्स यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, तो हमने प्लस में कर दिया। अब 676 का हम जब एलसीएम लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 7 2 9 1 10, 6 6 12 1301, एक्स बटे 676 बराबर 2602, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 2602/1301/676, काट देंगे दो बार कटेगा, तो 676/2, 2 का गुणा करेंगे 6 2 12, 7 2 14, 1 15, 6 2 12 1 13, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो x बराबर आ गया 1352 रुपए। और x हमने किसकी मानी थी, राम की हमने राशि मानी थी x, यानी राम को कितना मिला, राम को की राशि थी 1352 रुपए। तो यही उसने हमसे पूछी थी कि राम का हिस्सा बताओ, तो राम का हिस्सा कितना है, 1352 रुपए। श्याम का अगर पूछ देता तो हम 2602 में 1352 को माइनस कर देते, तो श्याम का हिस्सा भी निकल आया था, लेकिन प्रश्न ने हमसे राम का हिस्सा पूछा था तो हमने राम का हिस्सा ही निकाला। इसमें बस कहने वाली बात यही है कि पहले तो राशि का डिवाइडेशन हमें निकाल लेना है, दोनों का अमाउंट निकाल के बराबर कर देना है,
और सॉल्व कर देना है। बस इतनी सी इसमें कहानी थी। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।